हाय एवरीवन, मैं अनुभा आपका मेरे चैनल अनुभास किचन डायरीज में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की चटपटी तीखी चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी खाने को ये टेस्टी बना देती है। आप इसे किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं, ये कोई भी खाने का स्वाद दुगना कर देगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कीजिए, यहाँ पर मैंने अपने सर्विंग सजेशंस दिए हुए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है टमाटर, यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया हुआ है। लगभग 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली हुई है। स्पाइस आप कितना तीखा चाहते हैं उतना आप हरी मिर्ची को डालिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 कली लहसुन ली है और इसे काट लिया है इस तरह से। जीरा 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। थोड़े से यहाँ पे मैंने हरे धनिया लिए हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए पिस गया है ये। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये स्वाद अनुसार नमक डालिए। और सरसों का तेल, ये ऑप्शनल है लेकिन यदि आप इसमें सरसों का तेल डालते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि नमक और तेल जो है वो चटनी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए बनके तैयार हो गई है टमाटर की हरी तीखी चटनी। अब हम इसे एक बॉटल में भर के इसे स्टोर कर लेंगे। इसे हम लगभग 3 से 4 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे आप किसी भी सब्जी के साथ या सैंडविच के साथ या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी सब्जी, पराठे, सैंडविच का टेस्ट दुगना कर देगा। तो चलिए आप मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिए। इसी तरह सिंपल और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।